कराची को आप लेकर चलते हैं। किसी इंतखाब को डिले करने से रुक जाएगी तो ये रुकेगी नहीं, और कराची के हुकूक को लेकर भी चलेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जमात इस्लामी की जानिब से एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के फैसले के खिलाफ शाहराए कायदीन पर जबरदस्त एहतजाज हुआ और धरना दिया गया। धरने के शुरका ने इस फैसले के खिलाफ अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। धरने से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराज भाक ने टेलीफोनिक खिताब करते हुए फैसले को हुक्मरानों की बेहसी और कराची के आवाम को हुकूक से महरूम रखने की साजिश करार दिया। मुझे अभी खबर मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इस बहाने को बुनियाद बनाकर कि हम इलेक्शन के इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उसी को उन्होंने जवाब के तौर पर इलेक्शन मुलतवी किया। और एक बार फिर कराची के साथ बेइंतहा जुल्म, बेइंतहा जबर, एक नारवा सलूक किया गया। धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इंतखाबात के इल्तिवा से हक दो तहरीक खत्म नहीं होगी बल्कि मजीद तेज होगी। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात का इल्तिवा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, इसके खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे और जुमे को इलेक्शन कमीशन पर भरपूर धरना देंगे। उनका मजीद कहना था कि कराची दुश्मन कुव्वतें सुन ले कि जमात इस्लामी अहले कराची के हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगी। कराची के लोगों की मोर कराची के लिए होगी, और कराची को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कराची को आप लेकर चलते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी ये तहरीक किसी इंतखाब को डिले करने से रुक जाएगी तो ये रुकेगी नहीं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इन बल्दियाती इंतखाब के हवाले से जो इन्होंने हम पर शबखून मारा है, हमें इन्हें आईनी और कानूनी और जमहूरी हक से कराची के आवाम को महरूम करने की साजिश की है, और इस साजिश में सब शरीक हैं। इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे और कराची के हुकूक को लेकर भी चलेंगे। और परसों इंशाल्लाह जुमे का दिन है मुबारक, परसों जुमे के बाद आप लोग सब अपनी अपनी जगहों से एहतजाज करते हुए निकलेंगे और इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर हम धरना देंगे इंशाल्लाह ताला। 4 बजे तक आप वहां पहुंच जाए ताकि एक तारीखी धरने का आगाज हो सके, और फिर हम बताएंगे कि अब तुम्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अब तुम्हें बल्दियाती इलेक्शन भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। धरने से डॉक्टर उसामा रजी, सैफुद्दीन एडवोकेट, डिप्टी सेक्रेटरी यूनुस बाराई, मुदस्सिर हुसैन अंसारी, नजीब अयूबी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।